जिला यमुनानगर में एक बार फिर से गोली कांड का ये बड़ा मामला सामने आया है। दुर्गा गार्डन में एक फौजी गैराज है, जहां पर अभी कुछ ही देर पहले की ये घटना सामने आती है कि गैराज के अंदर काम करने वाले एक लड़के के ऊपर तीन हमलावर आते हैं और उनमें से एक हमलावर किस तरह से गोलियां बरसाने लगता है। सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि 3 से 4 जो गोलियाँ हैं वो यहाँ पर लगातार चलाई गई हैं और जिसका ये गैराज है वो फौजी रिटायर है। जी हाँ, जिला यमुनानगर में एक बार फिर से गोली कांड का ये बड़ा मामला सामने आया है। दुर्गा गार्डन में एक फौजी गैराज है, जहां पर अभी कुछ ही देर पहले की ये घटना सामने आती है कि गैराज के अंदर काम करने वाले एक लड़के के ऊपर तीन हमलावर आते हैं और उनमें से एक हमलावर किस तरह से गोलियां बरसाने लगता है। सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि 3 से 4 जो गोलियाँ हैं वो यहाँ पर लगातार चलाई गई हैं और जिसका ये गैराज है वो फौजी रिटायर है। जी हाँ, यमुनानगर में दुर्गा गार्डन के पास बिल्कुल फौजी गैराज वॉशिंग सेंटर पर अभी कुछ ही देर पहले का ये बड़ा मामला सामने आ चुका है। गैराज के अंदर काम करने वाले एक लड़के के ऊपर गोली चलाई गई है, गोली उसकी बाजू में लगी है। अभी के लिए लड़के की हालत जो है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, जिसे इलाज के लिए यमुनानगर के ट्रामा सेंटर में ले जाया गया है। गोली चलाने की क्या वजह रही होगी, क्यों गोली चलाई गई, आखिरकार उनका यहां पर आने का और उस लड़के के ऊपर गोली चलाने का मकसद क्या रहा होगा, अभी तक ये सारा मामला जांच का विषय बना हुआ है। मौके पर पुलिस बड़ी कार्यवाही करने के लिए पहुंच चुकी है। CIA 1, CIA 2, DSP राजीव मौके पर जगह का मुआयना करने के लिए, जायजा लेने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। इस समय की बड़ी खबर मैं आपको दोस्तों यमुनानगर के दुर्गा गार्डन से दिखा रही हूँ। एक फौजी रिटायर का ये गैराज है, जिसने अपने बेटे को सन 2020 में ये गैराज खोल कर दिया था और आज दोपहर के 3 से 4 बजे के बीच की ये घटना निकल कर सामने आती है, जहां पर 3 से 4 जो गोलियां हैं वो यहां पर चलाई जाती हैं और दूर एक अंदर गैराज के एक ऑफिस बना हुआ है, एक कैबिन बना हुआ है, जहां पर गोली जो लगी है शीशा टूटा हुआ है और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि गोली चली है। अभी तक पुलिस इस केस में लगातार कार्यवाही करती नज़र आ रही है। तस्वीरें मैं आपको उस गैराज से दिखा रही हूँ जो दुर्गा गार्डन के अंदर है। जी हाँ, फौजी गैराज वॉशिंग सेंटर का नाम तो आप सभी ने अच्छी तरह से सुना होगा और आज की ये घटना सामने आई है। कुछ दिन पहले दशहरा ग्राउंड के अंदर भी इसी तरह से फायरिंग का एक मामला सामने आया था, लेकिन यहाँ पर हवाई फायर नहीं किया गया, बल्कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाइक के ऊपर 3 सवार होकर युवक आते हैं, जिनमें से पीछे से एक युवक उतरता है जिसने अपना चेहरा ढका होता है और उसी के द्वारा 3 से 4 गोलियाँ चलाई जाती हैं। दोस्तों, इस समय यहाँ पर जो डर है, डर का माहौल यहाँ पर पैदा हो चुका है, क्योंकि यमुनानगर ज़िले के अंदर बढ़ती गुंडागर्दी के चलते हर कुछ समय के बाद इस तरह से गोलीकांड का जो मामला है, जो तस्वीरें हैं वो निकल कर सामने आई हैं। अभी जो इस गैराज के जो मालिक हैं, जो फौजी रिटायर हैं, वो स्वयं बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर 3 हमलावर आते हैं और उनके द्वारा गोलियाँ चलाई जाती हैं। गैराज के बिल्कुल आसपास CCTV जो कैमराज हैं वो लगे हुए हैं। पुलिस के द्वारा लगातार CCTV कैमरों को खंगाला जा रहा है। सारी की सारी जो घटना है, जी हाँ, सारी की सारी घटना पास लगे CCTV कैमरों के अंदर कैद हो जाती है। मौके पर CIA 1, CIA 2, DSP जो राजीव हैं वो जगह का मुआयना करने के लिए, जायज़ा लेने के, तो उसके बाद में गोली लगी है, वो उठ के उधर दौड़ गया, फिर जो गोली चला रहा था, फिर उसने क्या किया कि यहाँ से आके वहाँ भागा, उधर देखा, इधर देखा, कोई मिला नहीं, फिर वापस आ गया। वापस आ के फिर इधर इसमें जो साथ में टेंट हाउस है, इधर देखा उसमें, यहाँ कोई दिखा नहीं आया, फिर ये कहता मोटरसाइकिल पर बैठ गया। तो सब कितनी गोलियाँ, 4 राउंड फायर किए हैं, 3 बाहर से किए हैं, 1 यहाँ खोखा पड़ा देगा, 1 वो हमारे सामने वो लगा हुआ है। तो सर, जो आपके पास यहाँ व्यक्ति काम कर रहे हैं, कितने समय से काम कर रहे हैं? ये 6 महीने से ऊपर है उसको। ऐसा कुछ नहीं कह सकते अभी, ना रंजिश का कुछ नहीं कह सकते। सिसली फुसले देखी है, बाकी उस मुँह बांधा हुआ है, उसमें कोई पहचान नहीं आई है, पुलिस वाले लगे हुए हैं अभी, छानबीन चल रही है अभी। है जी, मौके पे गैराज में कौन कौन था उस समय?
उस टाइम तो लड़का ही था हमारा लड़का, उससे पहले 5 मिनट पहले ही अभी वो बोल रहा कि मैं साथ वाले भी जाकर बैठा ही था, बोलता भी जाके क्योंकि वेला था तो साथ में जाकर बैठ गया। तो वो लड़का यहाँ पर लंबा पड़ा हुआ था खाना खा के, क्योंकि हम तुम्हें 3:30 के करीब हम आए हैं, हम कहीं गए हुए थे। बहुत आई है। तो कितने लोग आए थे? 3 लोग आए थे बाइक पे। तो गोली चलाने वाला कितने थे? गोली चलाने वाले 2 थे जी, दोनों के हाथ में पिस्टल थी जी, और उन्होंने फायरिंग करी। मैं बैठा था वहाँ पर, ले इधर उधर चलाई, फिर मेरे पास फायरिंग करी, मेरे को गोली लग चुकी थी उस टाइम पर, मैं वहाँ से फिर भाग गया जी। और कितने राउंड फायर किए? 5-6 फायर हुए थे वहाँ पर। तो आप जानते हैं उनको? पहले कभी देखा? नहीं, पहले कभी नहीं देखा जी, मैं तो काम करता हूँ वहाँ पे, आज तक नहीं देखा कभी, ना मेरी किसी से ऐसी कोई बातचीत है। रहने वाले कहाँ के? रहने वाले मैं नहीं कहा। तो गैराज में कितने समय से काम कर रहे थे? गैराज में मेरे को हो गए जी कम से कम 8-9 महीने। पहले जानकार, पहले जब मैंने काम स्टार्ट किया सिग्मा 2012 में, तब से जानकारी है। तो काम अभी मैं करने लगा था कंपनी से। तो गोली कहाँ लगी आपको? गोली बाजू में लगी है। फायरिंग हुई है क्या? लगभग 4 बजे के अराउंड का एक इंसिडेंट है, फायरिंग इंसिडेंट। 3 लड़के हैं, एक बिना नंबर की बाइक प्लेट पे आते हैं, छोटी लाइन के पास दुर्गा गार्डन का एरिया है, यहाँ पे एक वॉशिंग सेंटर या गराज है, वहाँ पे एक फायरिंग उन्होंने की है। और इसमें एक व्यक्ति है, उसको अपना बाजू पे इंजरी है, अंडर ट्रीटमेंट है, वो आउट ऑफ डेंजर है। बाकी ये जो लोग हैं कौन थे नहीं थे, इनकी अभी शिनाख्त चल रही है, सीसीटीवी फुटेज हम देख रहे हैं, प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो हमने टेकअप कर ली है। सर कितने राउंड फायर हुए? अराउंड अभी FSL टीम मेरी मौका विजिट कर रही है यहीं पास में। इनिशियली जो अपना 4 राउंड अभी तक मिले हैं, बाकी और के लिए भी सर्च जारी है, और उसमें जल्दी क्लियर कर देंगे आफ्टर माइन्यूट इंस्पेक्शन, स्पॉट इंस्पेक्शन करके जो भी जितने भी राउंड हैं, और कुछ CCTV फुटेज भी अभी चल रही है, उसमें क्लियर हो जाएगा कितने राउंड फायर करे हैं। लगभग अपना 3 लोग आए थे, उन्होंने फायरिंग करी है। अभी मैं जैसे बताया गया जी, कोई पुरानी एनमिटी है या क्या है, उसके लिए जो यहाँ के संचालक हैं उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा रही है, और उसमें जैसे भी वो ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन या फिर कोई और नाम सामने आता है आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे, उस हिसाब से FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड की जाएगी। एक को इंजरी है, इज आउट ऑफ डेंजर। तो दुर्गा गार्डन में फौजी गैराज के अंदर काम करने वाले जिस लड़के के बाजू में गोली लगी है, उस लड़के को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में लाया गया है। एक तरफ तो इलाज चल रहा है और दूसरी ही तरफ यमुनानगर की तमाम पुलिस की टीमों के द्वारा अब इस केस में गहराई में जाकर जो जांच है वो शुरू हो चुकी है। CCTV कैमरे के अंदर सारी घटना कैद हो चुकी है। जिला यमुनानगर में एक बार फिर से बढ़ती गुंडागर्दी के चलते गोली कांड का एक बड़ा मामला सामने आया है। गोली चलाने की क्या वजह रही है, किस मंशा से आए थे, आखिरकार गोली क्यों चलाई गई, किस इरादे से चलाई गई, अभी तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाया। मौके पर DSP राजीव हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने सारी घटना के बारे में जो है सारी जो जानकारी है वो आप लोगों के साथ शेयर की है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से अपील करूंगी, इस खबर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जिला यमुनानगर के ट्रामा सेंटर से कैमरामैन मनप्रीत के साथ मनदीप कर की रिपोर्ट।